कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है। मंत्री पटेल ने अपने बयान में कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता और किसान भाइयों को धोखा दिया है, इसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सिर्फ ट्विटर के अंदर वाले नेता हो गए हैं और उनकी प्रदेश में जमीन खिसक गई है। एक भी बुजुर्ग को 1000 पेंशन मिली क्या? एक भी कोई दैनिक वेतन भोगी रेगुलर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ धोखा देकर सरकार में आना। और इसलिए जब जनता के साथ धोखा हुआ और हर वर्ग ने जब बद्दुआएं दी कमलनाथ को और कांग्रेस की सरकार को, तो वह सरकार गिर गई। और शिवराज सिंह चौहान जी को 8.5 करोड़ जनता ने दुआएं दी तो वापस मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश और गरीबों का, किसानों का कल्याण कर रहे हैं। दुआओं में ताकत होती है और बद्दुआओं में भी ताकत होती है, वो देखी है हमने। और अब तड़प रहे हैं, पानी के जैसे मछली बाहर निकाल दो तड़पती, ऐसी सत्ता के लिए हाय सत्ता। कमलनाथ जी जब 15 महीने मुख्यमंत्री थे तो किसी किसान के खेत में नहीं गए, ना कहीं गांव में गए, ना कहीं जिले में गए, सिर्फ बल्लभ भवन में बैठे रहे। और अब जब विपक्ष में है तो हाय सत्ता कर करके कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ ट्विटर के अंदर घुसे हुए हैं। ट्विटर करने के अलावा कोई काम नहीं, ट्वीट करने के अलावा। और इसलिए विकास नहीं हुआ, प्रदेश का बर्बाद कर दिया। 15 महीने में जो शिवराज सिंह जी ने 15 साल में मध्य प्रदेश को गढ़ा था, वो 15 महीने में डुबो दिया।